It's time for your favorite segment. It's hashtag Ask the Pavilion time. And let's start off, Janab. Saad Pasha, Toronto se, sawal pooch rahe hain. Ask the Pavilion, hello panel. Why is it that top foreign players like Narayan, Russell, Moeen Ali prefer the BPL over PSL, even though BPL has issues such as player payment? Does Narayan skip the PSL because he was called over his action? Waseem? PSL se action ka koi taluk nahi hai. His action was called out in IPL, I think it's 2012, 2013. Main iske saath gaya tha Chennai because I was with Knight Riders as the mentor and bowling coach. So I traveled with him to Chennai, wahan pe unki lab hai jo ICC ke saath hoti hai. Wahan pure isko wo laga ke sensors laga ke iska test liya tha. और ये क्वेश्चन था यहाँ क्यों नहीं आते. हाँ मतलब क्यों नहीं वो बीपीएल क्यों जा रहे हैं सारे के सारे यहाँ भी. बीपीएल दे गो फॉर कपल ऑफ गेम. वहाँ भी जैसे आयल टी ट्वेंटी दो मैचों के लिए गए, इधर आ गए दो मैचों के लिए, उधर चले गए. यहाँ पे पूरे महीने के लिए आना होता है. मे बी दैट्स व्हाई देयर इज गॉट अनदर टू मंथ्स कमिंग अप आफ्टर पीएसएल. दैट्स आईपीएल, दैट इज द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड. सो दे फोकस ऑन दैट लीग लॉट मोर. दे वॉन्ट टू डू अ रेस्ट बिफोर गोइंग टू सच अ लॉन्ग लीग. ऑल राइट. सईद दानिश, बीइंग सईद दानिश आपका एक्स हैंडल है. सलाम गाइज फ्रॉम कराची. माई question is, why is it easy for current batters to get their desired batting number in the team from debut? Why not grind hard like earlier players like Hafiz, Babar, Misbah, all greats come from down the order to top in the batting order? Waseem. नहीं, उसके लिए अब प्रॉब्लम हुई है टी ट्वेंटी से. अब टी ट्वेंटी में हर कोई ओपन करना चाहता है. उसकी रीजन क्या है? पहले छह ओवर, नया गेंद, फ्लैट विकटे. Am I right, guys? Absolutely. और वही अगर आप उन्हें को ओपन करें टेस्ट क्रिकेट या इवन वनडे में तो कहेंगे हमसे नहीं होगी. सो इजी ऑप्शन ढूंढते हैं हम यहाँ पे. और हमने कई जो रेगुलर ओपनर थे उनको हम मिडल ऑर्डर में ले आए और उसके बाद अब वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, कभी ओपन आ जाते हैं. सो कोई सिस्टम नहीं है हमारा. सिलेक्शन का मेयार भी ज्यादा रन्स हैं. या जो रन्स कौन करेगा, जो ऑब्वियसली पहले नंबरों पे बारी लेगा. इसलिए जो मिडिल ऑर्डर का इम्पैक्ट के ऊपर सिलेक्शन होना वो बंद हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोग ओपनर के तौर पर चले गए. पाकिस्तान के पूरे सर्कल में आप देख लें, जो भी आपको रन्स जिन्होंने ज़्यादा मोस्ट रन्स किए हुए हैं वो ओपनर या नंबर तीन के ऊपर खेल रहे हैं. पाँच छः के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर रन्स थोड़े होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट होना चाहिए. बिल्कुल, वो अनफॉर्चुनेटली कंसिडर नहीं किया जाता. आई हैव अ क्वेश्चन. नाइटली सीसी इनका नाम भी है और हैंडल भी है. उन्होंने कहा है, व्हाट डू यू, हु डू यू थिंक इज अ बेटर फिट फॉर पाकिस्तान हेड कोचिंग कंसिडरेशन, डेरन समी और शेन वॉटसन? ओके नाइटली सी सी जी, बिल्कुल. अब इन दोनों का, जब हफीज आया था या मिसबा एज अ कोच आया था, मुझे याद है कि पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया पे हर जगह थरथली डाल दी थी. आप लोगों ने थरथली क्या डाली थी? इनके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है. एक 20 साल खेला है, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. एक 19 साल क्रिकेट खेला है. अब मुझे आप इन दोनों की कोचिंग हिस्ट्री जरा इस पर भी जरा थोड़ा सा मुद्दे पे चर्चा करें कि इनकी क्या हिस्ट्री है कोचिंग की. प्लीज पहले मुझे ये आंसर करें, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा. So interesting, Waseem, that you bring that up, because I believe, and I'm as an observer of the game, not sure, as an expert or anything, but just as a an observer or the fan of the game, I've noticed one thing, ki jab bhi hum koi Pakistani coach lete hain ya koi Pakistani support mein staff mein lete hain, to foreign baat honi shuru ho jati hai. Inka kya experience hai, inhone kya kiya hai, inhone kya karke dikhaya hai, inko kitne paise mil rahe hain. और जब भी कोई है, कोचिंग अलग है, कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए. बिल्कुल, सो दैट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर एवरीवन. बट दूसरी तरफ जब कोई फॉरेन कोचेस की बात आती है तो बस ये होता है कि यार इनमें से कौन बेहतर होगा हमारे लिए. यू नो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. दिस इज द माइंडसेट. इट्स अनफॉर्चूनेटली द माइंडसेट दैट यू आर ट्राइंग टू एड्रेस. और ऑनलाइन कोचिंग भी एक्सेप्ट की गई. जी जी भाई, पैसे दिए आर्थर को, कहा गया बाहर से बैठ के करे कोचिंग और उसने भी लिए. जी, वो आया एशिया कप में, आया चार दिन रहा पहले और चला गया. वहां जाके ससेक से डर्बी की ट्वीट कर रहा है. जी हाँ, यहाँ पाकिस्तान में प्रकाश पड़ रही है. और वो हेड, वो क्रिकेट डायरेक्टर है. आई नो, वर्ल्ड कप में भी टीम डायरेक्टर है, टीम डायरेक्टर था वो. आपको भी किस तोपों की सलामी है भाई जान. इतनी सलामियां देती जाएंगे तो तोपें कम पड़ जाएंगी, आपको पता है. आगे ऐसे डिसीजन पे तोपें कम पड़नी चाहिए. मुबशर ढिल्लों साहब, मुबशर ढिल्लों साहब कहते हैं आज पवेलियन में, सलाम भाई एंड ऑल लेजेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स हफीज भाई फॉर योर प्रेडिक्शन एंड प्लीज डोंट पिक पेशावर जलमी इन द प्लेऑफ्स. उन्होंने आपके लिए ये
बिल्कुल क्लेवर, वेरी क्लेवर. क्या नाम बताया था? मुबशर दिलों साहब. मुबशर, आई लाइक गलबादगी. और फिर उन्होंने सवाल ये पूछा है, हफीज भाई, डू यू थिंक दैट वी शुड चेंज द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप? बाबर एंड रिजी आर इन सुप्रीम फॉर्म, योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए जी, मैं तो सरासर खिलाफ हूँ कि जब भी किसी को लाया जाए उसको कम अज़ कम 4 साल मिलने चाहिए. जैसे हमने पहले बाबर के ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट की, वो अच्छे बुरे रिजल्ट्स उसकी किसी न किसी बेसिस के ऊपर ही लेके आए ना. यही बाबर की कप्तानी अच्छी या बुरी उसके ऊपर डिस्कस लोग करें, मुझे कोई शौक नहीं है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर डिसीजन लिया गया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी को भी कप्तान बनाया, तो उसको कम अज़ कम 4 साल मिलने चाहिए ताकि वो रियल में कुछ जो है तब्दीली ला सके, कुछ रिजल्ट्स लेके. जो सही तरीका है मैं वो तो बात. हमने एक चीज, आपने कहीं अपने आप को तो नहीं चूज किया था कोचिंग के लिए खुद? The result 2 months chahiye. I have a question. Before you ask the question, I have one. Then you can ask this question. Sure, yes? Sure, buddy. Naveed Khan hai, aapka ek handle hai, Nomi Khan 73. Please ask Waseem bhai. Did he remember a banker is always a banker? Yeah, I'm the one who actually came out with this line. Man. Yep, I know. So yeah. Aage chalo bhai. Mera question hai, Mohammad Sarosh Alam saab ne pucha hai. Would you agree that this PSL exposed PCB's weakness as a cricket authority? In 9 years, we have not been able to get players like Warner, Maxwell, Ben Stokes, etc., and those who do come, leave in between. Thoughts. Thoughts. देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है वसीम भाई कि ये पूरी दुनिया के जो ओवरसीज प्लेयर हैं, ये ए ग्रेड प्लेयर नहीं है. बी सी, ये बी भी नहीं है. आप जिस मर्जी प्लेयर को निकाल लें, ये सी कैटेगरी के प्लेयर खेल रहे हैं. कैसे इंगेज करना है ए कैटेगरी के प्लेयर को, वो हमें, आपने बात की थी कि हमें अपनी फाइनेंशियल ब्रैकेट को बढ़ाना पड़ेगा. हम अपनी सैलरी अगर नहीं बढ़ाएंगे तो किसी को शौक नहीं है यहाँ पे आके खेलने का, अच्छी क्रिकेट खेलने का, किसी को शौक नहीं, पैसे चाहिए. या बिल्कुल, लेट मी गेट द नंबर्स टू सरोश आलम साहब जी. IL T20 में हर टीम का परसेंट $2.5 million जिसमें उन्होंने प्लेयर खरीदे हैं, $2.5 million. और आई डोंट नो BPL में क्या है, CPL का में भी कम हो शायद इससे. PSL का पहले साल 1.2 मिलियन था और 9वें साल भी 1.2 मिलियन है. अब वहाँ वार्नर को मिले $500,000 और मोर टू कम देयर इन दुबई विद हिज फैमिली, स्टेइंग ऑन अ गोल्फ कोर्स, कम प्ले क्रिकेट, टेक योर फैमिली आउट, प्ले गोल्फ ऑफ डेज, दैट्स नॉट द केस. सो दे ऑल दीज टॉप प्लेयर्स, दे लुक फॉर दैट. ओके, अगर आप महीने के लिए जा रहे हैं जी, 3-3.5 हफ्ते महीने के लिए जा रहे हैं, तो कितनी फाइनेंशियल गेन है वहाँ? आप बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे. एक होटल में एक महीना रहना इज वेरी टफ, ऑल्दो इट्स अ 5-star होटल, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट इट इज अ प्रॉब्लम. किसी टीम के पास जो अभी पिक्स हुई है ओवरसीज, आप मुझे बता दें कि वो इंटरनेशनल इस वक्त की टीम की T20 टीम के 4 बंदे भी वो हों जो इंटरनेशनल लीग अभी खेल रहे हैं? नहीं है. आपके पास वो प्लेयर हैं जो या तो खत्म हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, या डिस्कार्डेड हैं. या वो आएंगे सिर्फ जब फाइनेंशियल्स उनके जी, जब आपको फाइनेंशियल आप थ्रो करेंगे हर बंदा आ जाएगा. ये बहुत जरूरी हो गया. वकार मिर्जा साहब, आपका एक चैनल वकार मिर्जा, और ये सवाल पूछ रहे हैं, इन योर प्लेइंग डेज स्पेशली वसीम्स जी, डिड यू गाइस पे दैट मच अटेंशन टू मैचअप्स, शॉर्टर बाउंड्री, लॉन्गर बाउंड्री साइज? Having Imran Khan and Miada type intelligent cricketing minds, would they ask you guys to better your skill to match any kind of condition? Sorry, I didn't get the first bit of the question. वो कह रहे थे कि क्या आप अपने ज़माने में matchups को देखते थे और छोटी boundary side पे तो मैं तू एंज गेंद करना है या उधर long है, या जावेद मियादा, इमरान खान टाइप के उन लोग जो लीडर्स हैं आपके, वो आपको कहते थे यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंडीशन? या वो टीम मीटिंग होती थी, वो सीनियर बोलते थे, हम सुनते थे, जो वो कहते थे हम करते थे. कभी ये नहीं किया कि बाउंड्री छोटी है, बाउंड्री बड़ी है, या इन टू द विंड है. जब जूनियर थे तो इमरान भाई थे, तो हमने तो इन टू द विंड ही बॉलिंग करनी है. देयर वाज नो अदर ऑप्शन, देयर वाज नो कि यार मैंने या इवन बकार का लंबा रनअप था, मेरा छोटा रनअप था, मैं कोशिश करता था, कप्तान भी था कि वो विद द विंड आए, मैं इन टू द विंड आऊँ. हालांकि मैं विद द विंड आ सकता था, बट विद शोएब अख्तर, विद बकार, दे वर प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, राइट? सो दे नीडेड बिट ऑफ अ पुश. सो दैट्स व्हाई, ओके, आई सेड बीइंग अ कैप्टन आई शुड सैक्रिफाइस, दे कैन बॉल विद द विंड, आई विल बॉल इनटू द विंड, दैट हैपेंस नॉर्मली. या दैट्स फैंटास्टिक. खुरम खलीली साहब, आपका एक चैनल खुरम खलीली, और आप कह रहे हैं, माई क्वेश्चन, वी हैव सीन सो ऑफन दैट बाबर एंड रिजवान ऑलवेज गो फॉर द रिव्यू व्हेन एवर देयर गिवन आउट, नो मैटर हाउ मच प्लम्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड द डिसमिसल सीम्स. व्हाई डू दे ऑलवेज वेस्ट a review in such scenarios? Azhar? नहीं देखें, इसमें ना सिर्फ जो बैट्समैन जिसको जिसका जिसने रिव्यू लेना होता है, उसके साथ जो बैटर होता है पार्टनर, उसका भी रोल उतना ही होता है. आई थिंक बोथ
पीपल हैव बोथ प्लेयर्स हैव सेम यू नो ब्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्योंकि ये आपका एज ए प्लेयर रिव्यू नहीं ये टीम का रिव्यू होता है so if you wasted okay I have a scenario now you are Babar Azam Jee. I am say a young batter like say Saud Shakil batting I am at the bowler's end you are batting appeal hui hai ab Babar aapne mere se pucha ki out see fine baby down leg le lo अब मैं थोड़ी ना कहूंगा आउट है उसको ये अब ये भी डिपेंड बड़ा करता है ना कल्चर पे ही बड़ा डिपेंड करता है रिवर्स करता हूं जैसे मैं और यूनुस भाई होते थे तो ऑब्वियसली एक यूनुस भाई सीनियर थे बहुत तो ये जरूर होता था यार यूनुस भाई एक बहुत बड़ी विकेट है और इनको इनका अगर 19-20 भी है तो लेना है इसलिए नहीं कि यूनुस भाई है और पता नहीं क्या 19 बड़ी विकेट है ये जरूर होता था कि यार यूनुस भाई है और थोड़ा सा यार थोड़ा सा मार्जिन हमें अगर है तो फिर ठीक है ऑलराइट आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर यू जी सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मुस्तफा शाह यू शो इज सुपर्ब थैंक यू मुस्तफा ऑल ऑफ यू गाइस आप सबको कह रहे हैं वो जी थैंक यू आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू सलमान इकबाल फ्रॉम एआरवाई आवर ओनर क्वेश्चन ये है थॉट योर प्लेटफॉर्म सलमान इकबाल थ्रू योर प्लेटफॉर्म that why not a sports starting urdu commentary channel as Waqar Yunus also highlighted in his during उर्दू कॉमेंट्री मुस्तफा उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बाय लॉ पैमरा लॉ है या जो भी लॉ है इट हैज़ टू बी अ स्पोर्ट्स चैनल टू शो लाइव क्रिकेट राइट हमारे पास एआरवाई के पास चैनल हैं 6-7 हैं हम दिखा सकते हैं दूसरी पे उर्दू के साथ बट उसके लिए लाइसेंस नहीं है वो स्पोर्ट्स चैनल होगा अब जैसे आप इंडिया में चले जाएं स्टार स्पोर्ट्स के 7 चैनल हैं सुपर स्पोर्ट्स साउथ अफ्रीका देख लें वो 8 चैनल आठ चैनल उनके पास आप सोनी चले जाएं उनके पास 6-7 स्पोर्ट्स चैनल हैं सो दैट्स द प्रॉब्लम उर्दू कमेंट्री विल डू वंडर्स इन दिस कंट्री हमारे पास क्योंकि एक लाइसेंस है ए स्पोर्ट्स का उसमें हम एक ही बीम दिखा सकते हैं और उसमें बीच में वो आपके पास उर्दू कॉमेंट्री आ जाती है अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली उर्दू कॉमेंट्री आए तो उसके लिए एक और आपको चैनल दरकार है और उस चैनल के पास लाइसेंस होना जरूरी है और वो पाकिस्तान में जरा मुश्किल काम है साथ पाशा जिनका आपने सुनील नारायण का आंसर दिया था कि वो आईपीएल में रिपोर्ट हुए थे उन्होंने एक ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया cricket.com ऑस्ट्रेलिया का एक आर्टिकल भेजा है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको एक्चुअली 2018 में PSL में रिपोर्ट किया गया था किया गया और फिर उसके बाद वो आईपीएल के उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गया था उससे पहले रिपोर्ट हो चुका था ये मैं आई वाज विद हिम ओके ऑलराइट आई वाज विद हिम ओके इन चेन्नई आई वेंट फ्रॉम कलकत्ता टू चेन्नई फॉर हिज टेस्ट्स राइट या ओके पहले वो आईपीएल में हुए थे और फिर यहां पे भी आए थे जब यहां पे आए तो यहां पे भी कॉल हुए लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा पीएसएल का रुख नहीं किया ओके ऑलराइट वो शायद अपने आप को जो भी उनकी ये इंडियन जो ओनर्स हैं ये आईपीएल के ओनर्स नाइट राइडर्स ले ले मुंबई इंडियंस के ले ले दिल्ली कैपिटल्स के ले ले आई थिंक चेन्नई के भी ले ले अब ये क्या कर रहे हैं ये एक ग्रुप बना रहे हैं प्लेयर्स का इनकी टीम आईपीएल में है इनकी टीम आईएल टी20 में है इनकी टीमें साउथ अफ्रीकन लीग में है इनकी टीमें अमेरिकन लीग जो शुरू हुई है वो भी वहाँ भी टीमें हैं तो ये प्लेयर को सीपीएल में तो है ही है तो ये प्लेयर को 5 टूर्नामेंट्स के लिए साइन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वन ऑफ से के विल गिव यू से एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर 5 टूर्नामेंट्स यू जस्ट विद अस सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपनिंग